हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट ऑफ द आई और उनका फंक्शन वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सबने वो क्लास देख ली होंगी। आज की क्लास में उसी को कंटिन्यू करते हुए हम डिफेक्ट ऑफ विजन, उनका कॉज क्या है, कैसे हम उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन की, ठीक है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन वो हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके थे। तो हम बात करेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन की, दृष्टि के दोष और उनके सुधार, ठीक है। अब क्या क्या है डिफेक्ट्स ऑफ विजन, क्या क्या है, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, एस्टिगमेटिज्म और कलर ब्लाइंडनेस। अब एक एक करके इन्हें डिस्कस करेंगे, उनका कोज और करेक्शन भी साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला है दैट इज मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टिता, क्या होता है मायोपिया, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस मतलब जिस भी पर्सन को क्या है मायोपिया होगा उस केस में जो नियर बाय ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें वो क्लियरली देख सकता है और जो दूर के ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें वो क्लियरली नहीं देख सकता। तो अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मतलब जिस भी पर्सन को मायोपिया है तो वो पास की जो वस्तुएं हैं उनको स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इज दैट क्लियर, ठीक है। तो जिस भी पर्सन को मायोपिया है तो इसका मतलब जो पास वाले ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली उन्हें देख सकता है, दूर के ऑब्जेक्ट उसे नहीं क्लियरली नहीं दिखाई देते। अ पर्सन विद दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट हैज अ फार पॉइंट नियर इंफिनिटी। जिस भी पर्सन को क्या होता है ये डिफेक्ट होता है, ठीक है, कि इस तरह के दोष वाले व्यक्ति के पास क्या होते हैं अंत के पास एक दूर बिंदु होता है, उनके पास क्या होता है इनफाइनाइट के नियर इंफिनिटी एक फार पॉइंट होता है। सच अ पर्सन मे सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ अ फ्यू मीटर, और ऐसा व्यक्ति कुछ मीटर की दूरी तक क्या कर सकता है स्पष्ट देख सकता है। और इस केस में जो इमेज फॉर्म होती है द इमेज फॉर्म ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो इस केस में जो दूर के ऑब्जेक्ट या दूर के वस्तुओं की जो इमेज फॉर्म होती है वो कहां बनती है, वो रेटिना के सामने बनती है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड नॉट ऑन द रेटिना इटसेल्फ, ठीक है। वो कहां बनेगी, वस्तु की छवि रेटिना के सामने बनती है ना कि रेटिना पर। तो जो इमेज है वो कहां फॉर्म होगी, इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना। कहां फॉर्म होगी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, ठीक है। तो लेट्स सी डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। ये क्या है, एक नॉर्मल आई है, ये है एक नॉर्मल आई और ये है एक मायोपिक आई। तो इस केस में जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये एक नॉर्मल विजन है। नॉर्मल विजन के केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ होगी, ऑन द रेटिना। बट जिस भी पर्सन को क्या है मायोपिया है, जिस भी पर्सन को क्या है मायोपिया है उस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो फ्रंट ऑफ द रेटिना होगी, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना होगी, या फिर कह सकते हैं रेटिना से पहले फॉर्म होगी। इज दैट क्लियर, कि बात करें अगर नॉर्मल विजन के केस में तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, ऑन द रेटिना। अगर मायोपिया के केस में देखें तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, बिफोर द रेटिना। अब इसका कोज क्या है और इसे हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो इस डिफेक्ट का कोज क्या है, तो ये जो डिफेक्ट है ये किस वजह से अराइज होता है, ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस और आई बोल के बढ़ाव के कारण जो होता है ये कोज होता है। सिंपल है, अब इसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि जो मायोपिया है ये क्या है, दैट इज नियर साइटेडनेस। इस केस में जिस पर्सन को मायोपिया है उसे नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखते हैं, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है बट कैन नॉट सी, वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है वो उन्हें स्पष्ट रूप से क्लियरली नहीं देख पाता। ये ठीक है, इतना समझ आ गया, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। और क्वेश्चन आ सकता है कि करेक्शन, इसे हम किस कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो डिफेक्ट है ये करेक्ट किया जा सकता है कौन से लेंस से, कॉनकेव लेंस से। ध्यान रखना कि मायोपिया को हम कौन से लेंस से करेक्ट कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस से करेक्ट किया जाता है ऑफ अ सुटेबल पावर। जब कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन टू द रेटिना, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट जो है ये करेक्ट हो जाता है, कि फिर से इमेज कहां बन जाती है, बैक ऑन टू द रेटिना, और जिसकी वजह से ये डिफेक्ट जो है ये करेक्ट हो जाता है। कौन से लेंस के थ्रू, कॉनकेव लेंस के थ्रू, ये हमने देख लिया। नेक्स्ट डिफेक्ट जो आता है वो आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस, मायोपिया नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। मायोपिया के केस में क्या हो रहा था कि पास वाला ऑब्जेक्ट सही से दिख रहा था बट
फार साइटेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होगा, जो दूर वाले ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली दिखेंगे बट जो पास वाले ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली नहीं दिखेंगे। सिंपल टर्म्स में बात कर ली, मायोपिया ठीक है, नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस। मायोपिया के केस में क्या हो रहा था कि जो पास वाले ऑब्जेक्ट है वो क्लियरली देख पा रहे थे लेकिन जो दूर वाले ऑब्जेक्ट है वो हम क्लियरली नहीं देख पा रहे थे। बट हाइपरमेट्रो, अगर किसी भी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है तो उस केस में जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, जो दूर की वस्तुएं हैं, वो स्पष्ट रूप से देख सकते हैं बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, लेकिन जो आसपास के जो ऑब्जेक्ट है उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। किसके केस में? हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अब इस केस में जो इमेज फॉर्म होगी, इमेज फोकस कहां होगी? उस केस में जो इमेज फॉर्म हो रही थी वो कहां हो रही थी? वो हो रही थी बिफोर रेटिना। ठीक है, अब देखते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो कहां होगी? वो होती है बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, तो अभी हम दोनों को देख लेंगे, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। बात करें नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन के केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है ऑन द रेटिना। ठीक है, मायोपिया के केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है बिफोर द रेटिना। ठीक है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो होती है बिहाइंड द रेटिना। इज दैट क्लियर? कि मायोपिया के केस में बिफोर रेटिना और हाइपरमेट्रोपिया के केसेस में बिहाइंड द रेटिना। ठीक है, क्या कोज है इस केस में? जो फोकल लेंथ होती है आई लेंस की वो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती है और जो आई बॉल है वो बहुत छोटा हो जाता है, आई बॉल इज टू स्मॉल। तो ये इसका कोज है जिसकी वजह से ये होता है। अब करेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो अगर बात करें किसकी, मायोपिया की, मायोपिया को हम किससे करेक्ट कर रहे थे? कॉनकेव से। मायोपिया को कौन से लेंस से? कॉनकेव से। ठीक है, और हाइपरमेट्रोपिया को किससे कर रहे हैं? कॉन्वेक्स से। ये इंपॉर्टेंट है, ये करेक्शन वाला पॉइंट जरूर यहीं से क्वेश्चन बनेगा कि जो करेक्शन है मतलब हाइपरमेट्रोपिया को हम कौन से लेंस के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं? तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अप्रोप्रिएट पावर कैन करेक्ट अ हाइपरमेट्रोपिक आई। ठीक है, तो आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड एडिशनल फोकस पावर दैट इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना, और जिसकी वजह से जो हाइपरमेट्रोपिया है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। और मायोपिया के केस में कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, मायोपिया देख लिया, हाइपरमेट्रोपिया देख लिया, आफ्टर दैट प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के केस में अगर बात करें तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई डिक्रीज विद एजिंग। जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होती है ह्यूमन आईज की वो एज के साथ क्या होती है? कम होती चली जाती है। सबको पता होगा कि एज के साथ जो है वो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। तो कुछ पीपल, फॉर मोस्ट पीपल द नियर साइट जनरली फेड अवे, कि कुछ लोग, ज्यादातर लोगों के लिए जो निकट दृष्टि है वो आमतौर पर क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट आई करेक्शन ग्लास। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेस बायोपिया। कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जब जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है ह्यूमन आई की वो कम होने लग जाए, उस केस में, किस केस में? प्रेस बायोपिया के केस में। और ज्यादातर लोगों के लिए क्या होता है कि जो निकट दृष्टि है मतलब फॉर मोस्ट पीपल नियर साइट जनरली फेड अवे, उस पर क्या हो जाती है? जो निकट दृष्टि है आमतौर पर दूर हो जाती है। और दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी, जिसके वजह से उन्हें आंखों में सुधार चश्मे में बिना आसपास की वस्तुओं को आराम से और स्पष्ट रूप में देखने में मुश्किल लगता है। ठीक है, और उसी को हम कहते हैं, उसी डिफेक्ट को हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। कि दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट आई करेक्शन ग्लास, के बिना आई करेक्शन ग्लास के ना तो वो पास वाले ऑब्जेक्ट और ना ही डिस्टिंक्टली यानी कि दूर वाले ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। कि द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई डिक्रीज विद एजिंग, फॉर मोस्ट पीपल द नियर साइट जनरली फेड अवे, दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली And distinctly without eye correction glasses, और उस defect को हम कहते हैं press biopia। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। तो ये है नॉर्मल विजन और दैट इज प्रेस बायोपिया। तो आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मल विजन के केस में, ठीक है, ये क्लियर है, बट प्रेस बायोपिया जिस भी है उस केस में जो नियर ऑब्जेक्ट है, जो पास वाला ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? वो ब्लर है। ठीक है, जो पास वाला ऑब्जेक्ट है वो कैसा है? ब्लर है। आफ्टर दैट नेक्स्ट आता है इसका कोज एंड करेक्शन। ये किस वजह से होता है? जब जो सिलियरी मसल्स है, जैसे से एज बढ़ती है, वो क्या हो जाती है? वीक होना स्टार्ट हो जाती है एंड डिमिनिश फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस। की जो आंख के जो लेंस होते हैं उनमें जो लचीनापन है वो क्या हो जाता है? वो
कम होने लगता है। तो ऐसे पर्सन क्या सफर करते हैं, ऐसे पर्सन को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होता है। सच्चा पर्सन में सफर फॉर बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है, तो ऐसे पीपल को जो जरूरत होती है वो बायफोकल लेंस की जरूरत होती है। कौन से लेंस की, बायफोकल लेंस की जरूरत होती है जिसमें दोनों होते हैं कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी, ठीक है। क्योंकि ये कैसी कंडीशन है, ऐसे पर्सन दोनों से होंगे, जिसे ऐसे पर्सन जिन्हें सफर कौन से होंगे, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, जो दोनों से क्या होंगे, पीड़ित होंगे। तो इन्हें हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, इन्हें हम बायफोकल लेंस से करेक्ट कर सकते हैं, जो कंसिस्ट ऑफ बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। जो अपर पोर्शन होगा कंसिस्ट ऑफ अ कॉनकेव लेंस, ठीक है, विच फैसिलेट डिस्टेंट विजन। जो लोअर पोर्शन होगा कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, जो क्या देख पाएगा, जो पास वाली, जो निकट दृष्टि की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। जो लोअर पोर्शन है जिसके वजह से नियर पास वाला ऑब्जेक्ट, और जो कॉनकेव है उसके वजह से फैसिलेट डिस्टेंट विजन। तो दैट इज प्रेस बायोपिया, उसके कोज और करेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट आता है एस्टिगमेटिज्म। क्या होता है एस्टिगमेटिज्म, एस्टिगमेटिज्म जब होता है जब लाइट जो है वो फेल हो जाए टू एंटर द रेटिना विद अ सिंगल फोकस और टू प्रोड्यूस अ क्लियर डिस्टेंट विजन, ठीक है। जो एस्टिगमेटिज्म में ये कब होगा, जब प्रकाश एक स्पष्ट विशिष्ट दृष्टि उत्पन्न करने के लिए एकल फोकस यानी कि सिंगल फोकस के साथ रेटिना में प्रवेश करने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, मल्टीपल फोकल पॉइंट्स होते हैं इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड बिहाइंड। तो जैसा आपको दिख रहा होगा एस्टिगमेटिज्म के केस में यहाँ क्या है नॉर्मल, और यहाँ पर इन्हें क्या दिख रहे हैं, दिख रहे हैं मल्टीपल फोकल पॉइंट्स, ठीक है। इस केस में क्या है एस्टिगमेटिज्म है, ये है विदाउट एस्टिगमेटिज्म। जैसे सिंपल की बात करें तो ये रीड और ये कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लर भी हो जाएगा और मल्टीपल फोकल पॉइंट्स हो जाएंगे। तो एस्टिगमेटस देयर आर मल्टीपल फोकल पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड बिहाइंड और इट्स जनरली हैपन ड्यू टू इररेगुलरली शेप कॉर्निया द फ्रंट सरफेस ऑफ द लेंस इनसाइड द आई हैज मिसमैच, ठीक है। तो ये जनरली कब होता है, जो ड्यू टू एन इररेगुलरली शेप कॉर्निया, ये आमतौर पर कब होगा, जब जो कॉर्निया का जो आकार है वो कैसा होगा, वो इररेगुलर होगा, जिसके वजह से एस्टिगमेटस होता है, ठीक है। तो फ्रंट सरफेस ऑफ द लेंस इनसाइड द हाईएस्ट मिसमैच कर्व, तो जिस वजह से एस्टिगमेटस होता है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। एक बच गया हमारा कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम जेनेटिक डिसीज डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है इन विच लाइट प्रोड्यूस इमेज फोकस इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, कि जब इमेज कहाँ बन रही हो, किसके सामने, किस प्रकाश में रेटिना के सामने प्रतिबिंब फोकस उत्पन्न होता है, तो प्रेस बायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरट्रोपिया, मायोपिया, ठीक है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नियर साइटनेस इज टर्म एज, तो मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटनेस, ठीक है। तो हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस इनकरेक्ट, मायोपिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट मायोपिया, की मायोपिया के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो द विजन मे बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस, तो बात तो ये सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस, ये भी सही है। इट इज इन द अफेक्टेड आई, ठीक है, कि प्रभावित आंख में जो इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना, तो यही क्या हो गया, गलत हो गया। तो जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, पूछा था कि कौन सा सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन रिफ्रेक्टिव डिफेक्ट of human vision, myopia also known as near sightedness can be corrected by using, इसका आंसर भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये थे हमने जिसमें आज में डिफेक्ट ऑफ विजन उन्हें कैसे कोज होता है और कैसे हम उन्हें करेक्ट कर सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, छोटी क्लास थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।